जापान की 22 साल की नाओमी ओसाका ने अमेरिकी ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। महिला सिंगल्स फाइनल में उन्होंने बेलारूस की विक्टोरिया आरेजेंका को 3 सेट तक चले मुकाबले में 1-6, 6-3 और 6-3 से हराया। ओसाका ने 3 साल में दूसरी बार अमेरिकी ओपन अपने नाम किया है। ओसाका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। वह 2018 में और इस बार 2020 में अमेरिकी ओपन विजेता बनी थी। 2019 में वह ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम चैंपियन रही थी। ओसाका अमेरिकी की जेनिफर ब्रैडी को 7-6, 1-3, 6-3 से मात देकर फाइनल में पहुंची थी। अजारेंका ने सेरेना का 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब का सपना तोड़ते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक के साथ। थैंक यू।